हेलो गाइस, दिस इज द ब्रांड न्यू रियल मी नार्जो N53। टुडे वी आर गोइंग टू अनबॉक्सिंग इट एंड लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड। सो कम टू द बॉक्स। आ जाइए, नजदीक आ जाइए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 33 वाट सुपर बुक चार्जर, 5 MAH बैटरी, 6.74 इंच 90Hz डिस्प्ले, 7.49 mm अल्ट्रा स्लिम। ये जो फ़ोन है मात्र 7,999 रुपये का है, ठीक है, तो काफ़ी सस्ता फ़ोन है, चीप एंड बेस्ट में। इसका जो लुक होने वाला है ना, जस्ट लाइक आईफोन 15 प्रो मैक्स की तरह दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देख लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, इस रैपर पे आपको मिलता है फील द पावर नार्जो, यहाँ पे नार्जो बाई रियल मी लिखा हुआ है, क्योंकि ये रियल मी का प्रोडक्ट है, सब ब्रांड है, ठीक है। और रियल मी किसका सब ब्रांड है? रियल मी ओप्पो का सब ब्रांड है, ठीक है। फिलहाल इसको अभी साइड में रखते हैं और उसके बाद फ़ोन को भी साइड में रखते हैं। इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर एक्सेसरीज क्या क्या आपको मिल रहा है। जैसा कि देख सकते हैं, एक आपको चार्जर का केबल मिल रहा है जो कि हाई क्वालिटी का एक डेटा केबल है, USB टू टाइप सी डेटा केबल, ठीक है। बात करते हैं इसके चार्जर के, तो ये जो फ़ोन है इस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा चार्जर देने वाला, यानी कि 33 वाट सुपर बुक चार्जर, मतलब कि आपको 7,999 के फ़ोन में 33 वाट का सुपर बुक चार्जर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक्चुअल में ये फ़ोन जो लॉन्च हुआ था ना, ये लगभग 11-12 हज़ार के रेंज में लॉन्च हुआ था, लेकिन 5G आने के कारण 4G का जो रेट है ना, ऑटोमेटिक घट गया है। तो ये कंपनी ने इसको फोन प्राइस घटा करके आपको कर दिया है 7,999 रुपया। 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज इसके अंदर मिलता है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि ये फील द पावर है क्या है। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक निकलता है सिलिकन स्मोक कवर, और यहाँ पे है आपको रियल मी क्विक गाइड, रियल मी सेफ्टी गाइड, मतलब किस तरीके से आप फ़ोन को सिम लगाना है, किस तरीके से फ़ोन को यूज करना है, सब यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक हाई क्वालिटी का सिलिकन केस मिलता है, कवर मिलता है, जो कि काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है, ठीक है। ओवरऑल इस प्राइस रेंज में मस्त है। आप फाइनली फ़ोन पे आते हैं। ओ माय गॉड, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये जो फ़ोन है ना, लुकिंग लाइक वाओ, जैसे कि आप 7,999 में आईफोन 15 प्रो मैक्स वाला मजा ले सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, एज यू कैन सी, ये जो है जस्ट लाइक आईफोन 15 प्रो मैक्स लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ बैक में एक चीज़ और दिखा देता आपको, ये मैट फिनिश है, ये जो बैक में है ये मैट फिनिश है, और इस कलर का नाम कंपनी ने रखा है फादर, ठीक है, फादर ब्लैक। कहने का मतलब कि जैसा कि देख सकते हैं आप, आपको यहाँ पे मैट फिनिश एकदम जस्ट लाइक दे रहा है। लेकिन ये जो फ़ोन है ना, यहाँ पे हम आपको एक बार नजदीक करके दिखाते हैं, ये जो फ़ोन जैसा कि देख सकते हैं, ये कैमरा और ये कैमरा है, और ये एक फ्लश लाइट है, ठीक है, फ्लश लाइट है यहाँ पे। लेकिन ऐसा दूर से अगर देखिए तो लगेगा कि तीनों कैमरा जस्ट लाइक आईफोन 15 प्रो मैक्स, लेकिन आईफोन 15 प्रो मैक्स ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 2 लाख का फ़ोन होता है और ये 7,999 का फ़ोन है, लेकिन उसका मज़ा ले सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, नीचे में आपको एक मिलता है टैप सी चार्जिंग पोर्ट, एक माइक और एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, यहाँ पे आपको मिलता है स्पीकर एक, ठीक है। और राइट साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पे पावर बटन, इनबिल्ट फिंगरप्रिंट, मतलब कि ये पावर बटन भी काम करेगा और फिंगरप्रिंट भी काम करेगा, साइड फिंगरप्रिंट है, ठीक है। वॉल्यूम बटन है, प्लस और माइनस। ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर की ओर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं फ़ोन को, आपको ये मिल रहा है सिम ट्रे, ठीक है, यहाँ से आप सिम निकाल सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी सिम लगाना है। एक बार मैं जो है आपको सिम ट्रे भी ओपन करके दिखा देता हूँ, कि मतलब कि इसमें जो है हाइब्रिड तो नहीं। जैसे कि देख सकते हैं, एज यू कैन सी, यहाँ पे एक माइक्रो SD कार्ड लगाने का दिया है, और SIM 1 और SIM 2, मतलब कि 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड एक बार में लगा सकते हैं। ये डेडिकेटेड सिम स्लॉट है, हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल जो फ़ोन है ना, काफ़ी बेस्ट है। अब देख सकते हैं स्लिम कितना है, मतलब कि 5 MAH बैटरी रहने के कारण भी काफ़ी जो है स्लिम सेट है, जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है नार्जो का ब्रांडिंग, नार्जो डिजाइनेड बाई रियल मी, ठीक है। तो ओवरऑल जो फ़ोन ठीक है, मतलब कि बेस्ट है। डिस्प्ले इसका जो है थोड़ा साइज बड़ा, क्योंकि मैक्स के टाइप का जो फीलिंग आ रहा है ना, डिस्प्ले की वजह से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैमरा देख सकते हैं, ऊपर में यहाँ पे कैमरा है, ठीक है। फाइनली जो इस फ़ोन को हम ऑन करेंगे, ऑन करके उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि थोड़ा सा इसका कैमरा कैसा है, ठीक है। बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे आप नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगर ओल्ड हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि आपके शेयर करने लाइक करने से कुछ जाता नहीं है, लेकिन मेरा तो कुछ तो आ जाता है ना भाई, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, अभी ऑन कर करके आपको हम सारा कुछ दिखाएंगे, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं, फ़ोन जो है ऑन हो चुका है। अब हम फाइनली फ़ोन को थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं और इसके कैमरा को जो है ऑन करते हैं।
सबसे पहले बैक कैमरा, जैसे कि देख सकते हैं अगर हम इसको जूम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो लिखा हुआ है क्विक हील एंटीवायरस प्रो, तो ओवरऑल जो बड़ा अच्छा रहा है वो जूम हो जा रहा है, जो छोटा अच्छा रहा है वो जूम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर यही बात करें आईफोन 15 प्रो मैक्स अगर रहता ना यहाँ पे तो वो जो छोटा छोटा अच्छा रहे ना वो भी जूम कर रहा। ठीक है, तो अगर 8000 के रेंज में देखा जाए तो कैमरा काफ़ी बेस्ट मिल रहा है। अगर सेल्फी की बात करें तो सेल्फी यहाँ पर देख सकते हैं, एज यू कैन सी इतना भी स्मार्ट हम है नहीं लेकिन इस कैमरा में काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। ठीक है, ओहो माशाल्लाह। ठीक है, तो ओवरऑल जो है फ़ोन काफ़ी बेस्ट है। और बात करें इसका टच रिस्पॉन्स का, तो 90Hz का जो दे रखा है तो मतलब 90Hz ठीक ही है, जैसे देख सकते हैं टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। एक बार अबाउट फोन में जाकर के आपको दिखाते हैं इसका कन्फिग्रेशन। यहाँ पे अबाउट फोन में रियलमी नार्जो N53 एंड्रॉयड 13 पे अभी वर्क कर रहा है, लेकिन ये जल्दी एंड्रॉयड 14 अपडेट हो जाएगा। रैम 4GB है, 64GB का स्टोरेज है। ठीक है, तो ओवरऑल जो फ़ोन ये काफ़ी बेस्ट है। ऑक्टोकोर का प्रोसेसर भी मिल जा रहा है इस प्राइस रेंज में, नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो अगर आपको जो है ये फ़ोन अच्छा लग रहा तो जल्दी नज़दीकी स्टोर में जाके खरीदिए। ठीक है, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है लेकिन मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा ना भाई। ठीक है, तो जल्दी से लाइक करो।